हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तन्वी की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सोयाबीन टिक्की कबाब। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम सोयाबीन, ये बड़े वाले सोयाबीन हैं। तो अब हम इन्हें भिगो देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक कटोरी ले ली है, तो इसी में हम सोयाबीन को पलट देते हैं और अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। ये मैंने इस पानी को उबाल लिया है अच्छी तरीके से, ये बहुत ही गर्म पानी है। तो इस तरीके से हम इसे डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे ताकि सोयाबीन अच्छी तरीके से फूल जाए। तो अब हम सोयाबीन को ढक के 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सोयाबीन को रखे हुए लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हो सोयाबीन बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गए हैं, ये अपनी साइज़ से डबल ट्रिबल हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम इन्हें 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धुल लिए हैं। धुलने के बाद अब हम इन्हें निचोड़ लेंगे। इस तरीके से सारे पानी को हमें अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद हम सोयाबीन को मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। अच्छी तरीके से निचोड़ना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरीके से सारे सोयाबीन को हम अच्छी तरीके से निचोड़ निचोड़ कर मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हो सारे सोयाबीन को मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ के मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 कलियाँ लहसुन के लिए लिया है, इस तरीके से डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च ले लिया मैंने, इसे भी डाल देंगे। और अब हम यहीं पे डालेंगे अदरक, बारीक कट करके अदरक को डाल देंगे 4 टुकड़ों में इस तरीके से। और अब हम मिक्सी के जार का ढक्कन लगा के इसको पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसे इस तरीके से अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम इसे पलटेंगे अलग बर्तन में। तो इस तरीके से एक बर्तन ले लिया है, इसी में हम इसको पलट देंगे और इसी में हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसी तरीके से निकाल लेंगे इसे। तो जितने सोयाबीन मैंने पीसे थे उतना हम निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छे से पीस गए हैं, बहुत ही बारीक भी नहीं हुए हैं, मतलब जितना मुझे चाहिए उसी हिसाब से है ये। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चटपटे मसाले। तो मसालों में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च मैंने पहले भी डाला है तो मिर्च हम कम ही डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए 2 प्याज। इस तरीके से मैंने डाल दिया है, प्याज को मैंने बारीक से कट कर लिया है। तो अब हम इसी में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, इस तरीके से डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कद्दूकस किया हुआ गाजर, आधा गाजर था मेरे पास तो उसको भी मैंने कट करके डाल दिया है बारीक से कद्दूकस करके। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चने का बेसन। ये चने का बेसन है दोस्तों बाइंडिंग के लिए, हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चने का बेसन। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अरारोट या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, इस तरीके से डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, इसे थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चावल का आटा, इससे हमारा जो कबाब बनेगा वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमें इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल देना है, इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया है। और अब हम यहीं पे डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इस तरीके से नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो अब हम सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से मिक्स करके इसको हम डो के फॉर्म में ले आएंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और ये डो के फॉर्म में आ गया है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। और अब हम इसे टिक्की के जैसा बनाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे
हाथों में इस तरीके से बाइंड करेंगे और अब हम इसको टिक्की के जैसा बना लेंगे। आप इसे जिसमें सेप में बनाना चाहते हो बना सकते हो, पर मैं इसे टिक्की के सेप में बना रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि आज हम टिक्की कबाब बना रहे हैं तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। और इसी तरीके से बाकी के सारे कबाब को हमें बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही आराम से बन जाएंगे दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बनाइएगा ज़रूर इस तरीके से, बहुत पसंद भी आएगी आपको ये रेसिपी और ये खाने में बहुत ही हेल्दी है। तो इसी तरीके से सारे कबाब को हमें बना लेना है। तो इसी तरीके से सारे कबाब को हम बना के तैयार कर लेते हैं अच्छे से, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो सारे टिक्की कबाब को मैंने बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं दोस्तों। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इस तरीके से एक एक कबाब को डालेंगे। इसी तरीके से एक एक कबाब को हम डालते जाएंगे अच्छी तरीके से, और तेल हमको इतना ही गर्म चाहिए। तो एक बार में जितने कबाब आएंगे उतने हम डाल के फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, और थोड़ी देर हम इन्हें फ्राई होने देंगे। इसके बाद ही हमें इन्हें पलटना है। तो थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, इसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। तो आप देख सकते हो अब ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें पलटेंगे इस तरीके से। एक एक करके सारे कबाब को हमें पलट देना है। और आप अगर इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो दोस्तों। तो आप देख सकते हो मैंने सारे कबाब को पलट दिया है। तो इसी तरीके से हमें कबाब को उलट पुलट करते हुए अच्छी तरीके से सभी कबाब को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो सभी कबाब को मैंने अच्छी तरीके से उलट पुलट के क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अभी हम इन्हें थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, और जो हमने इसमें चावल का आटा डाला है उससे ये बहुत ही क्रिस्पी होगा दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो उलट पुलट करते हुए अच्छी तरीके से हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो सारे कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकालेंगे, इस तरीके से रोक के रखेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में रह जाए। और अब हम इन्हें एक एक करके अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से सारे कबाब को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से बचे हुए बाकी के सारे कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। बचे हुए कबाब को भी हम डाल के अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकती हो ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो ज़बरदस्त हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और आप इसे किसी भी चटनी, टोमेटो केचप के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे सबके साथ ये, या फिर आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो आप देख सकते हो पास से इनका कलर, ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं दोस्तों दिखने में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये सोयाबीन टिक्की कबाब की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।